भी जो युवा नेते हैं जिग्नेश है हार्दिक है ये सब की जिम्मेदारी ये सब बोल रहे हैं तो सवाल ये भी तो पूछ रहे हैं ये भी तो अब ये सवाल पूछा किससे जाना चाहिए और पूछा किससे जा रहा है ये अलग बात है। अब ये सवाल पूछा जाना चाहिए नरेंद्र मोदी से कि वेयर इज नजीब, ये सवाल पूछा जाना चाहिए राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर से वेयर इज नजीब, तो आप उनकी सीबीआई भी इसका जवाब नहीं दे रही है लेकिन फिर भी नजीब के ताल्लुक से जेएनयू के कोई छात्र नेता आए और नजीब के ताल्लुक से ना बोले तो ये अधूरा रहेगा। तो नजीब के ताल्लुक से आप ब्रीफ में क्या था क्या हुआ और अब क्या हो सकता है और नजीब की कुछ जांच होगी या नहीं होगी इस बारे में आप थोड़ा शॉर्ट में बात रखें। देखिए ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि जांच इसमें आगे बढ़ाई जाए और जांच एक चीज़ तो बहुत क्लियर होगी। मैं आपसे कुछ डिटेल शेयर करता हूँ नजीब केस में क्या हुआ। अभी रिसेंटली सीबीआई ने कोर्ट में अराउंड 3-4 दिन पहले जब मैं दिल्ली से निकला तो उन्होंने कोर्ट में अर्जी डाली है कि हम केस को बंद करना चाहते हैं। केस को आप बंद क्यों करना चाहते हैं? वो बोला हमको कोई लीड नहीं मिल रही है। तो क्या लीड मिलने के लिए आपने काम किया है? बार बार उनके मदर की तरफ से ये बात कोर्ट में बोला गया कि जो लोगों ने नजीब को पीटा था पिछले रात और नजीब को जान से मार देने की धमकी दी थी उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तारी के आधार पर उनसे सवाल जवाब किया जाए उनका इंटरोगेशन किया जाए। ऐसा क्यों है कि बिना किसी आधार पर जब मानवाधिकार कार्यकर्ता गिरफ्तार हो सकते हैं बिना किसी आधार पर हम लोग उस समय गिरफ्तार हो सकते हैं? तो यहाँ तो बहुत क्लियर आधार है, 22 लोग आके डिपोजिशन दिए हैं, आई विटनेस है 22 लोग कि किस तरीके से नजीब को पीटा गया, किस तरीके से नजीब को धर्म सांप्रदायिक लेवल पर गालियाँ दी गई और फिर जान से मारने की धमकी दी गई। तो उन गवाहियों के मद्देनजर आप इन लोगों को कस्टडी में लीजिए और आप इंटरोगेट कीजिए, इंटरोगेशन में आपको क्लूज मिलेंगे। आज तक उनको इंटरोगेट नहीं किया। जब ये इंसिडेंट हुआ उस समय हम पुलिस से बार बार बोलते रहे कि आप अपने स्निफर डॉग्स लेकर आइए और एक बार आप अगर कोई ट्रेल है कोई सबूत है उन स्निफर डॉग्स के थ्रू आप एक बार सर्च कीजिए पूरे प्रेमाइसिस को, उस हॉस्टल को, जेएनयू यूनिवर्सिटी को, तो आपको कुछ क्लूज मिलेंगे। आप जानते हैं क्या हुआ? स्निफर डॉग्स आए हमारे प्ली के ऊपर 4 महीने बाद, जब सारा एविडेंस सब कुछ मिट चुका होगा, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए कि हम ये कर रहे हैं ये काम किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले दिल्ली पुलिस, क्योंकि पहले दिल्ली पुलिस के पास ये केस था, दिल्ली पुलिस ने एक बार दावा किया कि नजीब ऑटो पकड़ के जामिया गया था और ऑटो वाले को लाके गवाही दिलवाई और उसके बाद ये साबित ये बात बाहर आई कि ऑटो वालों से जबरन जबरदस्ती करके गवाही दिलवाई गई थी और ये झूठी गवाही थी, बट कोर्ट ने मानी। तो दिल्ली पुलिस कोर्ट में झूठ बोलते हुए पाई गई है। सीबीआई एक वक्त एक हेयरिंग में, पिछले हेयरिंग में जो अपना स्टेटस रिपोर्ट लाई थी उसको दूसरे लिफाफे में लेकर आ गई, उसको वहां धुतकार पड़ी। तो बहुत क्लियर है कि कभी ये पॉलिटिकल विल था ही नहीं कि नजीब के केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए, नजीब को ढूंढ के लाया जाए। और एक इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जो देश की राजधानी में है वहां से एक इंसान का गायब हो जाना नामुमकिन है और मेरे हिसाब से नजीब गायब नहीं हुआ है, नजीब को गायब किया गया है और जिन लोगों ने नजीब को गायब किया है कहीं ना कहीं उनको बचाया जा रहा है क्योंकि जांच नहीं करी जा रही। पुलिस सीबीआई दोनों झूठ पाते हुए पाए गए कोर्ट द्वारा। एक और आपको बात बताता हूं, मुझको बोला था 2 साल पहले, आपको याद होगा, कि उमर खालिद 2 बार पाकिस्तान होकर आए हैं, मैंने बोला कि मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है और आपने मुझे 2 बार पाकिस्तान भेज दिया। वही लोग वही गोदी मीडिया एक दिन एक रिपोर्ट लेकर आती है टीवी में भी पेपर में भी कि नजीब गायब होने से पहले एक रात पहले ISIS के वीडियोस देख रहे थे। अगले दिन पुलिस का रिपोर्ट आता है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं निकला। आप सोचेंगे कि जिस पत्रकार ने ये रिपोर्ट लाई उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको वहां से बर्खास्त करना चाहिए, टाइम्स ऑफ इंडिया नाम लेके बोलता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स नाउ को माफी मांगनी चाहिए, उस स्टोरी को रिट्रैक्ट करना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। तो कितना आसान है, क्या किसी का नाम नजीब है तो बिना किसी आधार आप उसको ISIS से जोड़ दें ये मीडिया के लोग, अगर किसी का नाम उमर है तो बिना किसी आधार आप उसको 2 बार पाकिस्तान भेज दें। कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा जो उनके परिवार पे जो बीता है? कि नरेंद्र मोदी आके उनके परिवार वालों से बात करेंगे? नरेंद्र मोदी आके उनके परिवार वालों से माफी मांगेंगे? राजनाथ सिंह माफी मांगेंगे? कोई माफी नहीं मांगेगा, क्योंकि कुछ लोगों का दर्द दर्द है और नजीब की माँ का दर्द दर्द ही नहीं है, रोहित की माँ का दर्द ही नहीं है। इस चीज को हमको समझना है और ये आने वाला, मैं तो बोल रहा हूं कि अब एक ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, आने वाला चुनाव भी जो है वो राहुल बनाम मोदी नहीं है, वो मोदी बनाम हम सबका दर्द है। रोहित की माँ का दर्द, नजीब की माँ का दर्द, वो सारे किसान जिन जो आत्महत्या कर रहे हैं उनका दर्द, हम सबका दर्द अगर साथ आएगा तो फिर उनसे जवाबदेही होगी। और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरीके से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करा जा रहा है कुछ लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि इस पूरे केस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग शामिल थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो लोग थे
जिनको उन 22 आई विटनेस ने आइडेंटिफाई किया था कि ये लोग थे जो नजीब को पीट रहे थे, ये लोग थे जो नजीब को सांप्रदायिक गालियां दे रहे थे, ये लोग थे जो नजीब को मार देने की धमकी दे रहे थे, क्योंकि वो एबीवीपी से और एबीवीपी आरएसएस का स्टूडेंट विंग है। सिर्फ और सिर्फ उनको बचाने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन से लेके पुलिस तक सबको ही लगा हुआ है। और अगर राजसत्ता बदलती है तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज निकलेगी। इनको पास छुपाने के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि आने वाले दिनों में बहुत डेस्परेट होंगे। इन 4 साल में जो उन्होंने गंद फैलाई है देश के अंदर, उसको छुपाने के लिए बहुत कोशिश करेंगे कि राजसत्ता ना बदले, सरकार ना बदले। एक बार सरकार बदलती है और एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होता है इसके अंदर, सही में उन लोगों को जिन्होंने नजीब को मारा है, नजीब को पीटा है, नजीब को धमकी दी है, उनका इंटरोगेशन होगा तो बहुत कुछ निकल कर आएगा। ये मैं सवाल पूछता हूँ, आपने मुझसे एक सवाल पूछा है, मैं आंसर देते हुए दिल्ली पुलिस से सवाल पूछना चाहता हूँ, सीबीआई से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? कब आप गिरफ्तार करेंगे? और हम आपको केस बंद नहीं करने देंगे, आंदोलन आज भी जारी है। मैं यहाँ बेंगलोर आया था, वहाँ उस वक्त भी वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था नजीब को लेकर। अगला सवाल है मोहम्मद अल्ताफ हुसैन का। आज शासन प्रशासन जुडिशरी सबको कंट्रोल किया जा रहा है, तो जनता ऐसे माहौल में क्या जनता किसे उम्मीद, यानी उम्मीद कम हो गई है जनता को? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को छोड़कर हमने गलती की है क्या? प्रधानमंत्री की जवाबदेही क्यों नहीं बनती है? जैसे अमेरिका में अगर बिल क्लिंटन की हो सकती है और प्रेसिडेंट पद से उनको जाना पड़ता है, तो फिर भारत में क्यों नहीं? ये लास्ट वाला प्रश्न बोलिए। बिल क्लिंटन को अमेरिका में अगर उसके खिलाफ में कार्रवाई होती है और उसको अपनी प्रेसिडेंटशिप से जाना पड़ता है, या एक यूं कहें कि नवाज शरीफ को प्रधान रहते हुए भी हटाकर जेल में जा सकती है वहां की डेमोक्रेसी, तो अपनी डेमोक्रेसी इतनी कमजोर तो नहीं है ना कि इसको आज हुकूमत कंट्रोल कर रही है अदालतों को भी यहाँ तक? देखिए, लोकतंत्र को चुनना हमारी गलती नहीं थी, बिल्कुल गलती नहीं थी। आई थिंक लोकतंत्र हमारे देश में पहले दिन से सबको वोटिंग का अधिकार दिए, हर इंसान को, चाहे आपको कुछ भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी नस्ल से आते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, सबको इक्वालिटी दी गई, वोट देने की इक्वालिटी दी गई, इक्वालिटी बिफोर द लॉ हमारा संविधान हमको देता है। बहुत सारे देशों में ये सारे अधिकार बहुत बाद आए, महिलाओं को वोट देने का अधिकार कई सारे देशों में पुरुषों को पहले दिया गया, महिलाओं को बाद में दिया गया, ब्लैक्स को बाद में दिया गया, हमारे देश में पहले दिन से ये सब चीज़ें थी। लेकिन आज वो लोग जो संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, जो संविधान को उस समय खारिज किए थे और आज भी बोलते हैं, अनंत कुमार हेगड़े, उनके यूनियन मिनिस्टर हैं, कर्नाटक में जाकर भाषण दिया था दिसंबर में कि हम संविधान को बदलने आए हैं और हम नहीं चाहते कि लोग अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बोलें, हम चाहते हैं लोग अपने आप को जाति और धर्म के आधार पर अपनी पहचान करें। ये भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की स्टेटमेंट है, तो वो अपनी जबान से खुद बोल रहे हैं कि हम किस काम के लिए आए थे। तो वो संविधान को बदलना चाहते हैं और अलग अलग तरीके से इसके लिए वो काम कर रहे हैं। ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि 2014 में ओवरनाइट नरेंद्र मोदी साहब सत्ता में आ गए, 90 साल तक काम किया गया है इसके लिए। अलग अलग तरीके से आरएसएस ने 1925 के बाद से उसी सपने के लिए काम किया है कि धर्मनिरपेक्षता को हटाया जाए, सेकुलरिज्म, ये संविधान को हटाया जाए और किसी तरीके से इस देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर दिया जाए। तो 90 साल की उनकी मेहनत का हमको यहाँ दिख रहा है मोदी सरकार के फॉर्म में। और आज लोकतंत्र पर अलग अलग तरीके से हमले किए जा रहे हैं। आपने मीडिया और कोर्ट की बात करी, तो अगर मैं मीडिया और कोर्ट की बात करूं, अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी साहब एक दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए एक छत्तीसगढ़ की गांव की एक किसान महिला से बात कर रहे थे और बोला कि वो किसान महिला आके बोला कि आपकी योजनाओं के चलते मेरी आमदनी दुगनी हो गई। और नरेंद्र मोदी साहब बहुत खुश हुए, नरेंद्र मोदी साहब ने उनको बधाई दी, उन्होंने नरेंद्र मोदी को बधाई दी। और फिर इसके बाद हमारी गोदी मीडिया ने बहुत वाहवाही करी, मतलब वो हर रात में यही काम करते हैं, वाह मोदी जी वाह, तो वही रात में उन्होंने करना शुरू कर दिया। पुण्य प्रसून वाजपेयी एबीपी न्यूज़ के, उन्होंने अपना रिपोर्टर उस महिला के पास भेजा सच जानने के लिए या वेरीफाई करने के लिए। तो सच ये निकल कर आया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से कुछ लोग आए थे और उनको बोला गया था कि आपको ये बोलना है प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। किसी और देश में इसको सराहना चाहिए था, क्योंकि मेरे हिसाब से मीडिया का काम है एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के होते हुए मीडिया का यह काम है कि जो लोग सत्ता में हैं उनसे सवाल पूछना, अगर वो कुछ गलत काम करें तो उनको एक्सपोज करना। यहाँ पुण्य प्रसून वाजपेयी ने मोदी साहब को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया था, लेकिन इसके लिए उनको सजा दी गई और एबीपी मैनेजमेंट पे प्रेशर बनाकर उनको वहां से निकलवाया गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश है। 4-5 चैनल तो आपके पास ऑलरेडी है, एक चैनल रिपब्लिक टीवी,
मतलब ऐसा विडंबना है कि बीजेपी के एमपी का पैसा लगा हुआ है उसके अंदर, एक बीजेपी का राज्यसभा का एमपी राजीव चंद्रशेखर है केरल से, उसका पैसा लगा हुआ है उसके अंदर और बोलता है कि हम हिंदुस्तान का एकमात्र इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल है, और ये तमाम और चैनल अगर आप रोज रात में देंगे उनको खरीद लिया गया है, और अगर कोई मीडिया खरीदी नहीं गई है तो उसको अलग अलग तरीके से धमकाया जा रहा है। वायर एक न्यूज पोर्टल है, उसने एक स्टोरी करी अमित शाह के बेटे जय शाह जब 2014 में 50,000 उनके कंपनी का टर्नओवर था और दो साल के अंदर 80 करोड़ पहुंच गया, 1600 टाइम्स उसका इजाफा हुआ, टेंपल एंटरप्राइजेस बोल के नाम है उसका, तो उस टेंपल एंटरप्राइजेस को देख के लगता है जो राम मंदिर की नरेंद्र मोदी और अमित शाह बात करते हैं तो वो राम मंदिर तो बना नहीं जिसका वो 20 साल से इस पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है यही वो मंदिर है जहां उनका सारा प्रसाद गया है, क्योंकि वहीं इतना 1600 गुना इजाफा दो साल के अंदर। तो वायर जब ये रिपोर्ट को बाहर लेकर आया तो वो रिपोर्ट बाहर आने के बाद वायर पर डिफेमेशन केस डाले गए, ये बोला गया कि आप अमित शाह के बेटे जय शाह को डिफेम कर रहे हैं, और जब मुकदमा कोर्ट में, मतलब डिफेमेशन क्या है, एक धमकी है, आपको धमकी दी जा रही है कि ये काम मत करो, और जब मामला कोर्ट में जाता है तो जय शाह जो खुद केस किए हैं वो कोर्ट में नहीं आते, और जब जज पूछते हैं वो क्यों नहीं आए तो बोले जय शाह तो बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो आज वो समाज के काम पर निकले हुए हैं इसलिए वो कोर्ट नहीं आ रहे। तो ये अलग अलग तरीके हैं, किसी को धमकी देके मैनेजमेंट को प्रेशर देके निकलवा देना, किसी को डिफेमेशन की धमकी देना, एनडीटीवी को एक दिन के लिए बैन कर दिया था, तो ये सब कुछ किया जा रहा है, मीडिया को ख़त्म किया जा रहा है, मीडिया को खरीदा जा रहा है। और मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं ऐसी गोदी मीडिया वाले पत्रकारों को देखता हूँ, क्योंकि जब लोगों का बिलीफ अगर मीडिया से चला गया तो जैसे सवाल भी है कि हमने गलती करी डेमोक्रेसी को चुन के, क्योंकि मीडिया को कमज़ोर होना मतलब लोकतंत्र का कमज़ोर होना है, मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है और कहीं ना कहीं यही काम किया जा रहा है। कोर्ट की बात करें तो पिछले 70 साल में कभी नहीं हुआ कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जज ये बात बाहर आके बोले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि आजकल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में धांधली करने की कोशिश करी जा रही है और लोकतंत्र खतरे में है। एक चीज़ ये लोग लेकर आए थे वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, नेशनल अपॉइंटमेंट NAJC, नेशनल अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमीशन, इस टाइप से कुछ नाम है, एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उस नए इस एक्ट के अनुसार जो कमीशन जो बनाना चाहते थे कि सरकार तय करेगी कि अब जज कौन होगा, तो ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं, और अगर कोर्ट कमज़ोर होंगे, मीडिया कमज़ोर होगी, तो कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र कमज़ोर होगा, और इसीलिए आज साथ आने की ज़रूरत है, लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है। जी, जहाँ पे अभी हम बैठे हैं ये विमानतल पुलिस स्टेशन में आता है, उसके प्रमुख, वो पुलिस स्टेशन के प्रमुख PIS अब भी आए हैं, उनका भी स्वागत है। चलिए, अभी ये 3 पन्ने हैं, 3 अलग अलग लोगों ने पूछे हैं, लेकिन सवालों का सारे एक होने से मैं तीनों इकट्ठे पूछता हूँ। सबसे पहले, हाउ टू स्टॉप मॉब लिंचिंग एंड हाउ कैन वी स्टॉप द मॉब लिंचिंग, ये एक सवाल है, यानी मॉब लिंचिंग को कैसे रोका जाए और हमारी भूमिका क्या हो। दूसरा है, हम दहशत के साए में कब तक जिएंगे और क्यों जिएंगे, ये सवाल पूछने, पहले जो सवाल था वो मिर्ज़ा अमजद बेग का था, दूसरा मोहम्मद शमी साहब का है, और ये तीसरा सवाल है, उलेमा इकराम है हमारे नांदेड़ के, मौलाना अब्दुल अजीम रजवी साहब, ये पूछते हैं कि हमारे मुल्क के मौजूदा हालात में हम लोगों को कौन सा स्टैंड लेना चाहिए जिसे हमारी दोनों दीनी और इस्लामी शरई हकूक भी महफूज रहे, क्या स्टैंड लेना चाहिए। तो तीनों का भी आशय वही है, मॉब लिंचिंग को कैसे रोका जाए और इस दहशत में हम कब तक रहेंगे और हम अपने अधिकारों का कैसे रक्षा करेंगे। पहले दो सवालों को साथ में ही ले लेते हैं। हम दहशत में बिल्कुल नहीं रहेंगे, बिल्कुल सर उठा के जिएंगे, कोशिश है कि हमको दहशत में ला के हमारा सर झुका दिया जाए, लेकिन आज भी हमारा सर ऊपर है, और हम दहशत से जब ही निकल सकते हैं जब हम साथ में रहें। अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो वो हमको वो डरा सकते हैं, लेकिन अगर हम संगठित हो जाएं तो कोई हमको नहीं डरा सकता। पुरानी कहानी है कि एक लकड़ी टूट सकती है, लेकिन अगर बहुत सारी लकड़ियों से एक साथ रख लें तो वो नहीं टूट पाती। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हम लोग संगठित हों, और चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, हमको इंसाफ की आवाज़ को उठाने के लिए, इंसाफ के मुद्दे पे यूनिटी बनानी है, और आज वही मुद्दे को लेकर आगे लड़ना है। मॉब लिंचिंग का जहाँ तक सवाल है, पहले हमको समझना पड़ेगा मॉब बनता कैसे है और ये मॉब बनाया कैसे जा रहा है। आज का जो सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं वो पुरानी सांप्रदायिक घटनाओं से अलग है। अगर आपको याद होगा 84 का दंगा,
92 में बाबरी मस्जिद को जब ढाया गया उसके बाद जितने दंगे हुए, या गुजरात का दंगा, ये बड़े दंगे हुआ करते थे कि एक दिन में 2,000-3,000 लोगों का कत्लेआम हो गया। अब सांप्रदायिकरण दूसरे लेवल पर हो रहा है, अब बड़े दंगे नहीं किए जा रहे, अब छोटी छोटी घटनाएं करी जा रही हैं, और वो घटना करके, क्योंकि कोई भी सामने से नहीं कर रहा, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने से नहीं कर रही, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेता। तो जो 84 पे कांग्रेस पे सवाल उठे, 2002 में भाजपा पे सवाल उठे, तो अब ये बोला जा रहा है ये तो वहाँ उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए तो उसने ये काम कर दिया। मतलब मोहसिन शेख पे अगर बोला कि शिवाजी महाराज के खिलाफ कुछ बोला था तो किसी पे गाय का नाम लिया, अफराजुल को लव जिहाद के नाम पे जिंदा काट के जला के मार दिया और फिर वीडियो बना के अपलोड कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हो गया कि हर तरफ एक भीड़ तैयार हो गई जो आपको किसी भी चलते मार देगी। आज हमारे देश में जो बेरोजगारी है, वो बेरोजगार लोग एक दूसरी किस्म की भीड़ भी बन सकते हैं, जो एक पॉलिटिकली कॉन्शियस मास, जहां अपने सवालों पे वो संगठित हो, सड़कों पे आए और ये सवाल पूछें कि सरकार ने हमारे अधिकारों के लिए क्या किया है। लेकिन ये चीज ना हो, इसलिए वो जो एक बड़ी बेरोजगारों की जमात है उसके सामने उसको डाइवर्ट कर दो दूसरी तरफ, ये बोलो कि ये लोग गाय खाते हैं, ये लोग हिंदू लड़कियों को यहां से ले जा रहे हैं। और ये काम सिर्फ आप कुछ आम लोग नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की स्पीचेस सुनिए, क्या वो हमारे अगर एक हिंदू लड़की को उठाएंगे तो हम 100 मुसलमान लड़कियों को उठाएंगे, ऐसा आदमी है। उनके एक और साथ में बैठे हुए थे एक ऐसे एक प्रोग्राम में, योगी आदित्यनाथ स्टेज पर बैठे थे, कोई और भाषण दे रहा था, बोला हम मुसलमान औरतों को कब्र से निकाल के उनके शवों के साथ बलात्कार करेंगे, ऐसी उनकी मानसिकता है, उनको प्रमोट कर दिया जाता है चीफ मिनिस्टर। तो जब ऐसे गुंडों को प्रमोट किया जाएगा तो और छोटे गुंडों को लगेगा कि हमको भी शय मिलेगी, हमको भी रिकग्निशन मिलेगा। इतनी बेरोजगारी है तो इस बेरोजगारी के दौर में गौ रक्षा के नाम पर हिंसा करने को एक रोजगार बना दिया है, और गौ रक्षा के नाम पर अगर आप किसी को हत्या करते हो तो यूपी में सरकारी नौकरी दे दी तो उनको वैसे भी रोजगार मिल जाता है। तो एक तरफ बहुत लोग बेरोजगार हैं और उन बेरोजगारों को यह बोला जा रहा है कि हिंसा करना जायज ही नहीं, अब इसके तोहफे मिलेंगे तुमको, अब इसका इनाम मिलेगा तुमको। इसके चलते हमारे देश में ये मॉब लिंचिंग का टेंडेंसी आया है, और ये बात कोइंसिडेंस नहीं है कि 2014 के बाद मॉब लिंचिंग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो इसके खिलाफ लड़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके खिलाफ लड़ाई को, अब मैं एक मुहिम का पार्ट हूँ यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, जो आज के समय मॉब लिंचिंग को लेकर एक मुहिम छेड़ा हुआ है पूरे देश में, और आज के समय ऑलमोस्ट 80% ऑफ फैमिलीज जिनके परिवार वालों को मार दिया या जो इंजर्ड हुए थे, ऑलमोस्ट 80% ऑफ फैमिलीज के साथ हम आज टच में हैं, उनका लीगल काम देख रहे हैं, उनके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कैंपेन ले रहे हैं, और इस मुहिम को हम और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई अगर आप सिर्फ मॉब लिंचिंग तक सीमित रखेंगे तो कभी आप ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये लड़ाई साथ ही साथ बेरोजगारी के खिलाफ भी होनी चाहिए, ये लड़ाई साथ ही साथ महंगाई के खिलाफ भी होनी चाहिए, ये लड़ाई साथ ही साथ जो युवाओं को नौकरी नहीं, जो किसानों की आत्महत्या हो रही है उसके खिलाफ भी होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार सामने आ रहा है उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। जब भी आप मुद्दों को जोड़ेंगे, अगर आप इन मुद्दों को अलग अलग, क्योंकि सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बेरोजगारी है इसलिए नफरत गर्दी हो रही है, आज नफरत का एक बाजार है और बाजार को भी नफरत की ज़रूरत है, इस बात को हमको समझना ज़रूरी है। और नफरत के खिलाफ लड़ाई और ये पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई को जब तक हम नहीं जोड़ेंगे, डिवाइड एंड रूल किसकी पॉलिसी होती है जो देश को लूटते हैं? अंग्रेज़ों ने लूटा, अंग्रेज़ों के चापलूस और आज अंबानी अडानी के चापलूस, अंग्रेज़ों की सीख आज हमारे देश में लागू कर रहे हैं, इसको हमको हराना है, और हम तमाम लोग साथ में आ जाएं तो हम उनको हरा पाएंगे, ये मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। अगला सवाल देखिए, हम मुसलमान हैं और इस बात में हमको कोई शर्म नहीं है, संविधान हमको हमारा धर्म फॉलो करने की पूरी इजाज़त देता है। बीजेपी के लिए तीन किस्म के मुसलमान, या आरएसएस के लिए सीधे बोल लें, तीन किस्म के मुसलमान वो टॉलरेट कर सकते हैं, वो तीन किस्म क्या हैं? पहला किस्म है शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, जिनको इस बात पे शर्म हो कि वो किस धर्म से आते हैं, जो उनके हिंदुत्व के एजेंडा पे चलें, या फिर वो लोग जो जुल्म सहें और सह के चुप हो जाएं, वो भी वो चाहते हैं कि आपके खिलाफ जुल्म होगा लेकिन आप बोल नहीं सकते, आपकी कोई औकात नहीं, आप हमारे खिलाफ आंखों में आग डाल के नहीं देख सकते, अगर वो करेंगे तो वो भी वो टॉलरेट कर लेंगे। और एक और किस्म के मुसलमान हैं जो अभी पिछले कुछ सालों में बहुत फैशनेबल हो गए हैं,
वो भी उनको बहुत पसंद है, जो टीवी पे मौलाना कुछ लोग आते हैं ना, वो लोग भी बहुत पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि वो इस पूरे गेम प्लान में साथ हैं उनके। और हमको बहुत ज़रूरी है कि सामने आके इन मौलानाओं का भ्रष्ट ना करें और ये बोले ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, उनके पूरे गेम प्लान में पार्ट होके वहाँ डिबेट में जाते हैं, अपना रोल अदा करते हैं। और ये बहुत सारे मौलाना 2014 को, मौलाना भी नहीं बोलना चाहिए, सो कॉल्ड मौलाना 2014 में बीजेपी के साथ थे, नरेंद्र मोदी साहब का समर्थन कर रहे थे और 3,000 रुपये दिहाड़ी का उनको मिलता है टीवी डिबेट में आने का, रात में 3,000 या 5,000 जितना भी मिलता हो, और फिर उनको हमारा नुमाइंदा बनाया जाता है, बताया जाता है, इस्लाम का नुमाइंदा बताया जाता है। कब से मुसलमानों ने उनको भेजा था वहाँ, किससे पूछ के गए थे, किसने चुना है उनको? तो ये तीन किस्म के मुसलमान बीजेपी आरएसएस को बहुत पसंद है। लेकिन अगर मुसलमान इस बात को बोले कि मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन सिर्फ मेरी यही पहचान नहीं है, मैं इस देश का एक नागरिक भी हूँ, इस्लाम मेरा धर्म है, लेकिन संविधान मुझको कुछ अधिकार भी देता है इस देश के अंदर, जो उनका पूरा प्रोजेक्ट है कि हम दोयम दर्जे का नागरिक बना देंगे, हम समान नागरिक हैं। अगर आप नागरिकता का अधिकार असर्ट करेंगे अपने धर्म को मानते हुए, और वो संविधान आपको पूरा अधिकार देता है आप किस धर्म को माने, तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब आप संविधान की बात करते हैं तो आप सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, आप तमाम लोगों की बात कर रहे हैं जिनके खिलाफ जुल्म हो रहा है। और आज हमारी जिम्मेदारी है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है हम उसके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन सिर्फ मुसलमानों पर ही जुल्म नहीं हो रहा, और लोगों का जुल्म भी हमको उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा जुल्म है। जब तक हम उनके जुल्म में भागीदार नहीं बने, जब तक जो 12,000 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं, जब तक हम उनके दर्द में भागीदार ना बने, जब तक हम वो जितने बेरोजगार हैं, जितने दलित हैं जिनको मारा जा रहा है, ऊना में जो हुआ, सहारनपुर में जो हुआ, पिछले ऑलमोस्ट 2 साल 1.5 साल से चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो भीम आर्मी का चीफ है वो जेल के अंदर बंद है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंदर, कैसे जो लोग सहारनपुर में जाके दलितों को मारते हैं वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो वहाँ 250 स्कूल चलाता था दलित बच्चों के लिए, स्कूल चलाना पहले तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, आपने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई, लेकिन जो वो काम कर रहा था आपने उसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंदर जेल के अंदर डाल दिया, उसका दर्द भी हमारा दर्द है। रोहित वेमुला की माँ का दर्द भी हमारा दर्द है। जब हम इन सारी लड़ाइयों को जोड़ेंगे और इन तमाम तबकों को साथ लेकर आएंगे तब उनको दिक्कत होती है, फिर आपको बहुत कुछ बोलते हैं, राष्ट्र विरोधी बोलते हैं, जिहादी बोलते हैं, गद्दार बोलते हैं, लेकिन उनको बोलने दीजिए जो बोलना है। अब लोग समझ भी रहे हैं, किसी ने बोला था शुरुआत में कि वो देश को झांसा दे रहे हैं, देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता इस देश की जनता बेवकूफ़ है, जिसको लगता है इस देश की जनता बेवकूफ़ है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, और इसलिए मैं नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बड़ा बेवकूफ़ मानता हूँ। कि ये जुमलाबाजी करके कि एक समय आपने बोला नौकरियों की बात करी तो बोला आप पकौड़े बेचिए, पकौड़ा ही रोजगार है, इस जुमलेबाजी में अगर लोग आ जाएंगे आपको लगता है, या जितना ये डाइवर्शनरी टैक्टिक है, कभी एंटी नेशनल बोलना, कभी अर्बन नक्सल बोलना, कभी जिहादी बोलना, इससे आप जो मूलभूत सवाल आज देश के हैं, जो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा रोजगार, ये सवाल उठाए जाएंगे, सवाल को लेकर लड़ा जाएगा। एक आखिरी बात, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा रोजगार यही मुसलमानों के भी सवाल है, मुसलमानों को कोई अलग सवाल नहीं है। अभी हम लोग बात कर रहे थे, ऐसी एक मैं इवेंट में था तो मैं जेएनयू से वहाँ एक प्रतिनिधि के तौर पर गया था और एक जामिया यूनिवर्सिटी से एक प्रतिनिधि के तौर पर आए थे। तो जामिया के स्टूडेंट ने एक बात बोली कि जब जेएनयू के टीचरों को किसी टीवी डिबेट में बुलाया जाता है तो उनको बुलाया जाता है नोटबंदी के ऊपर, उनको बुलाया जाता है किसानों पे, किसानों का हाल है उसके ऊपर बोलने के लिए, या बेरोजगारी के ऊपर बोलने के लिए। जामिया के टीचरों को सिर्फ जब ही याद किया जाता है जब ट्रिपल तलाक मुद्दा होता है या मंदिर मस्जिद मुद्दा होता है। बोला कि जामिया के टीचर के बाकी कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा है क्या, वो डिमोनेटाइजेशन पे नहीं बोल सकता, या डिमोनेटाइजेशन के चलते उसकी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं आया, जॉबलेसनेस पे नहीं बोल सकता। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल अलग कम्युनिटी हैं जिसके अलग कंसर्न्स हैं, इस गेम प्लान को भी समझने की ज़रूरत है। जो ट्रैप हमारे लिए बिछा रहे हैं उस ट्रैप में जाना नहीं है, और कई बार वो आपको प्रोवोक भी करेंगे कि इतना मुसलमानों के खिलाफ इतना दुष्प्रचार आजकल आप मीडिया में देखेंगे, रोज़ हिंदू मुस्लिम डिबेट आप देखेंगे, वो ये चाह रहे हैं कि आप प्रोवोक करके कुछ कर दें। एक बारी वो कुछ कर दें, अगर कोई प्रोवोक करके कुछ कर दिया तो फिर उनका गेम सेट है। तो प्रोवोक नहीं होना है, हमारी तारीख क्या है उस तारीख को भी हमको याद करना है। हमारी तारीख हमको ये बताती है कि एक वक्त जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकल के जाते थे तो उनके ऊपर कोई कचरा फेंकता था, एक औरत आके रोज़ कचरा फेंकता था, लेकिन वो कभी प्रोवोक नहीं, वो पलट के कुछ नहीं बोला।
एक दिन जब वो कचरा फेंकने वाली नहीं आई तो वो उसके घर पहुंच गए पूछने के लिए तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं। तो वो हमको इस बार बार प्रोवोक करेंगे, लेकिन हमको सब्र से काम लेना है, अकल से काम लेना है, अपने दोस्तों को पहचानना है, हमारे साथ में जो और लोग जिन पर जुल्म हो रहा है उनको पहचानना है। और आई थिंक यही हमारा धर्म भी सिखाता है और यही हमारा संविधान भी सिखाता है। राइट, बहुत सही। देश में मोदी जी से ज्यादा डरा हुआ कौन है आपकी नजर में? और देश की धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल या देश की माइनॉरिटी, दोनों में से कौन ज्यादा डरा हुआ है? मैं इसका जवाब देता हूँ, इसका जवाब देता हूँ। मोदी जी से सबसे ज़्यादा मोदी जी डरे हुए, क्योंकि 2014 में मोदी जी ने जो वादा किया था और जो झूठ बोले थे, अब उनको ये साफ होता जा रहा है कि झूठ सामने आ रहे हैं, देश की जनता जागरूक हो रही है, देश की जनता संगठित हो रही है, देश के राजनीतिक दल संगठित हो रहे हैं, देश के माइनॉरिटीज़ हों, दलित हों, किसान हों, मजदूर हों, सब लोग संगठित हो रहे हैं। तो उनको इस चीज़ का डर है कि मेरे झूठ अब और एक्सपोज होंगे, और मेरा मानना है कि अब उनको उनके खौफ से आज़ाद कर देना चाहिए, उनको सत्ता से निकाल देना चाहिए। तो आई थिंक वो सब सत्ता से निकलेंगे तो वो खौफ से आज़ाद हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब डर में ना रहें, खौफ में ना रहें, और वो खौफ ज़्यादा हैं इसलिए वो हमको खौफ ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो हमको इस तरीके का मॉब लिंचिंग और ये जो असैसिनेशन हुए, गौरी लंकेश, दाभोलकर, कलबुर्गी, पंसारे, मेरे ऊपर हमला, स्वामी अग्निवेश के ऊपर हमला, ये सारी जो घटनाएँ हैं वो उनके खौफ को दर्शाता है। और JNU के एक स्टूडेंट थे, बहुत बड़े कवि थे, गोरख पांडे, उन्होंने एक कविता लिखी थी, बस मैं वो पढ़ के इस सवाल का जवाब दूंगा कि वो डरते हैं, तमाम धन दौलत गोला बारूद के बावजूद भी वो डरते हैं, वो डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि एक दिन निहत्ते और गरीब लोग डरना बंद कर देंगे। एक सवाल है, गुजरात में पटेल आंदोलन, हरियाणा में जाट आंदोलन, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन, और इन आंदोलनों की चर्चा सबसे ज्यादा तब हुई जब इन आंदोलनों में कुछ हिंसा की घटनाएं हुई। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण का, मुस्लिम रिजर्वेशन का भी आरक्षण चल रहा है, लेकिन ये लोकशाही के और जमहूरियत के दायरे में चल रहा है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, इससे कुछ हल नहीं निकल रहा है। तो ऐसे वक्त में मुस्लिम नौजवानों की आरक्षण को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी समझ से? और मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में एक बैकग्राउंड जरूर बताता चलो कि हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने, यानी महाराष्ट्र की तत्कालीन कांग्रेस हुकूमत ने मराठा मुस्लिम रिजर्वेशन का बिल साथ में लाया था, जोड़कर लाया था, अलग नहीं, 16% मराठा समाज के लिए, 5% मुस्लिम समाज के लिए, शिक्षा में भी और रोजगार में भी, ऐसा वो रिजर्वेशन का बिल था। उस बिल को जब कोर्ट में चैलेंज हुआ तो हाईकोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को गैर संवैधानिक बताकर उसको वापस कर दिया, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन को एजुकेशन में कंटिन्यू किया, कहा कि ये देना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को कायम रखा और मुस्लिम एजुकेशन रिजर्वेशन को जारी रखने का, लेकिन इसके बावजूद तब तक हुकूमत बदल गई थी, उन्होंने भी आखिरी ओवर में वो बॉल डाला था, कांग्रेस ने भी कानून नहीं बनाया था, खाली एक नोटिफिकेशन निकाला था। तो आने वाली उसके बाद की हुकूमत ने मराठा रिजर्वेशन को 6 महीने के अंदर पास किया और मुस्लिम रिजर्वेशन को पास नहीं किया, इस वजह से यहाँ पर कोई मुस्लिम रिजर्वेशन उसमें का भी लागू नहीं है, जबकि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ताईद थी, और तब से मराठा समाज के, धनगर समाज के साथ मुस्लिम समाज कंधे को कंधा लगाकर साथ दे रहा है उनका भी, और अपने तौर पे दस्तूरी तरीके से आंदोलन कर रहा है, तो इसकी चर्चा नहीं हो रही है, तो आपकी नज़र में रणनीति क्या होनी चाहिए? पिछले सवाल में मैं एक बात बोलना भूल गया था, उसी से जोड़ते हुए इस बात का जवाब दूंगा कि जब मैंने बोला कि हमारे कुछ अलग मुद्दे नहीं हैं आज के समय, आप क्योंकि मुस्लिम आरक्षण का सवाल उठा है और वो सबसे पहले सच्चर कमेटी रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट के जरिए से आया था, तो आज का जो डिबेट है मुसलमानों के मुद्दों को लेके वो सिर्फ ट्रिपल तलाक और मंदिर मस्जिद है, और कहीं ना कहीं हम वो सच्चर कमेटी रिपोर्ट को भूल गए हैं, जिसे सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने एक बहुत भयानक सच्चाई हमारे देश में बाहर, एक सच बाहर लेकर आया था कि किस तरीके से नौकरियों से, सरकारी नौकरी हो, चाहे पुलिस में नौकरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे और संस्थानों में हो, किस तरीके से माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन और माइनॉरिटीज़ में खासतौर से मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन, एक सरकारी रिपोर्ट ने फर्स्ट टाइम बोला कि बहुत कम है, रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक जगह है, सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे। तो आज बहुत ज़रूरी है कि वो सच्चर कमेटी रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस को, रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट के रिकमेंडेशन को सेंटर स्टेज लाया जाए, वो हमारा आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है कि हमको शिक्षा मिले। ऐसा क्यों है कि शिक्षा में इतने पीछे है इतना बड़ा एक अल्पसंख्यक समुदाय, और हम शिक्षा चाहते हैं, हमारा नारा भी बाबा साहब अंबेडकर का नारा है कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, और हम उसी राह पर चलना चाहते हैं।
देखिए ये सारे जो अलग अलग रिजर्वेशन की डिमांड है बहुत पेचीदा मुद्दा है, मुझे नहीं पता मैं इसका कितना सही जवाब दे पाऊंगा बिकॉज इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के अलग अलग राय हैं। लेकिन मराठा आंदोलन को लेके मैं एक बात बोलना चाहूँगा, या मराठा आंदोलन, पटेल आंदोलन, पाटीदार आंदोलन गुजरात में, जाट आंदोलन, इन सब आंदोलनों का जड़ कहीं ना कहीं आज के समय जो कृषि में संकट है वहाँ से भी आता है, जो बेरोजगारी है, जो नौकरियाँ ही नहीं हैं वहाँ से आता है। तो अब क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत सारे समुदाय, क्योंकि रिसोर्सेज इतनी लिमिटेड हो गई हैं, हमारे अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा हमारे हमारे फसल का, सूखा पड़ा है, नौकरियां नहीं हैं, तो उस पर सवाल ना उठे इसलिए आप बात कर रहे हैं कि आप हमको जो बची कुची नौकरियां हैं उसमें हमको आप आरक्षण दे दीजिए। तो आरक्षण का सवाल पेचीदा है, वो सवाल का जवाब कोई और देगा, लेकिन इस कृषि के संकट का सवाल जवाब मैं देना चाहूँगा। और यही कहीं ना कहीं भीमा कोरेगांव पर जो हमला हुआ वो भी इससे रिलेटेड है। इतना गुस्सा इनको इस बार भीमा कोरेगांव से क्यों था? भीमा कोरेगांव में तो 200 साल से वहाँ एटलीस्ट 200 साल पुराना इतिहास है भीमा कोरेगांव का, 100 साल से दलित हर साल जाते हैं, इसी बार क्यों हमला हुआ? क्योंकि एल्गार परिषद में, वो एल्गार परिषद कोई दलित सभा नहीं थी, ये लोगों का गलत कंसेप्शन है, वहाँ दलित संगठन थे, मजदूर संगठन थे, महिला संगठन थे, अल्पसंख्यक संगठन थे, वाम संगठन थे और मराठा संगठन भी थे। और एक बात को बोल रहे थे कि आज महाराष्ट्र के अंदर जिनके पास जमीन भी है, जो खेती भी करते हैं, वो कितनी बुरी हालत में है, किस तरीके से एक बहुत बड़ी जगह सूखा पड़ा है और सरकार उसको ड्राउट इफेक्टेड रिकग्नाइज भी नहीं कर रही। 8,000 गांवों में जहां सूखा पड़ा है, सरकार की तरफ से सिर्फ 4% गांव में रिलीफ पहुंचा है। देवेंद्र फडणवीस साहब पिछले साल लोन वेवर लेकर आते हैं, क्या आपका कर्जा माफी लेकर आते हैं, और उस कर्जा माफी के आने के बाद वो कर्जा माफी का पॉलिसी कितने बड़ा जुमला था, आप इसी समझ सकते हैं कि फिर किसानों के आत्महत्याएं और ज्यादा बढ़ गई। तो इस कृषि के संकट को लेके आज महाराष्ट्र के अंदर दलित भी परेशान है, मराठा भी परेशान है, वो दोनों लोग साथ आ रहे हैं। गुजरात के अंदर जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल साथ में मिलकर मोदी साहब का विरोध कर रहे हैं, मतलब दलित पाटीदार साथ में मिलकर विरोध कर रहे हैं, एक यूनिटी बन रही है पिछड़ों के बीच में और दलितों के बीच में, इससे वो बहुत घबराए हुए हैं। और इसी को तोड़ने के लिए ये पूरा भीमा कोरेगांव का ये पूरा खेल उन्होंने रचा कि जाति के आधार पर बांटो, अगर दलित हमारे खिलाफ हैं तो मराठाओं को दलितों के खिलाफ खड़ा करो, लेकिन वो गेम प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके बाद जितने एजिटेशन यहाँ हुए, ये बात बोलते हुए कि संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे को गिरफ्तार किया जाए, या जो लोग जिन लोगों को फंसाया जा रहा है उन लोगों को छोड़ा जाए, उन सारे आंदोलनों में महाराष्ट्र के अंदर जो मुझको रिपोर्ट मिली है वो भारिप के लीडरशिप में हुआ, वह मराठा आंदोलन भी, मराठा संगठन भी शामिल है और दलित संगठन भी शामिल है। तो ये चीज़ आज वो लोग भी समझ रहे हैं और हमको अलग अलग तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि आज कृषि में संकट है, ऐसा क्यों है कि आज रोजगार नहीं है, तो इस सवाल पे भी हमको सवाल उठाना पड़ेगा। अभी तो ये गडकरी साहब भी मुझसे अग्री करेंगे, रिसेंटली नितिन गडकरी को सवाल पूछा कि आरक्षण के ऊपर, तो उन्होंने भी बोला कि आरक्षण क्यों मांग रहे हो, नौकरियाँ ही नहीं है। तो गडकरी साहब एक चीज़ बोलते हैं, मोदी साहब दूसरी चीज़ बोलते हैं, मतलब उनके बीच में लगता है बनती नहीं आजकल। एमडी जफर साहब का एक सवाल है, मुझे लगता है ये सवाल क्लियर होगा उनका, कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट बेसलेस क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, लिखा उन्होंने, लेकिन प्रोपोगंडा शायद वो कहना चाह रहे होंगे कि बेसलेस प्रोपोगंडा ऑफ द गवर्नमेंट। कौन है एमडी जफर साहब ये सवाल? चलो जो भी है, मुझे लगता है कि ये सवाल का जवाब आ चुका है पहले। अब ये 3-4 पर्चे हैं, इसमें सवाल का सार एक ही है और अब मैं ये पढ़ लेता हूँ फिर भी। श्याम कामरे जी लिखते हैं के उमर खालिद और कन्हैया की आगे की क्या रणनीति है और आपकी राजकीय भूमिका क्या है। दूसरा है, सादिक भाई तांबुली लिखते हैं कि हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे उलेमाओं ने खून बहाकर आज़ादी लड़ाई और उनके बाद यहाँ की व्यवस्था उनके बारे में कुछ नहीं कहती है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, और आप कन्हैया कुमार की तरह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे क्या, आप जैसे युवाओं की कौम और देश को जरूरत है। और शेख आरिश का इस सवाल है, क्या आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं जैसे कि कन्हैया ने की है। और एक है साथी उमर, ये सवाल उससे जुड़ा हुआ नहीं है, मैं आखिरी में पूछता हूँ। मतलब सारी रणनीति बता दें खुले में कुछ छुपाने को है भी नहीं तो हम बता ही देंगे। देखिए
ये ज़रूरी नहीं है, हमारा जो संविधान है सबको अधिकार देता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, मुझको भी अधिकार देता है और ये ऑप्शन मेरे लिए हमेशा खुला हुआ है, लेकिन ये मेरा प्रायोरिटी नहीं है, ना कभी था। इतना छोटा सपना नहीं है हमारा कि एक सांसद या एक विधायक बन जाए और पावर के लिए हम कुछ भी करें। आई थिंक आज एक बड़ा सवाल ये है कि सत्ता बदलाव हो, इस ढांचे का बदलाव हो जो अन्याय पर आधारित है, जो असमानता पर आधारित है, गैर बराबरी देश से जाए, गरीबी देश से जाए, जो जन विरोधी नीतियाँ हैं वो देश से जाए। और बड़ा सवाल ये नहीं है कि उमर खालिद या कन्हैया कुमार आने वाले दिनों में 2019 का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, बल्कि उससे बहुत बड़ा सवाल ये है कि आने वाले 2019 का चुनाव कौन से सवालों पर लड़ा जाएगा। और आई थिंक वहाँ एक भूमिका हमारी है, और वो चीज़ हम बहुत ओपनली बोलते हैं कि ये आने वाला चुनाव ना तो हिंदू बनाम मुसलमान है और ना ही मोदी जी और राहुल जी का पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट है। पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट करना है तो वो फैशन शो कर सकते हैं, लेकिन चुनाव देश की जनता के मुद्दों पे होगा। जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भटकाने की कोशिश करी जाएगी, और पिछले 4.5 साल में जितने आंदोलनों ने उन मुद्दों के बारे में लड़ा है, उन सारे आंदोलनों को साथ लाना है, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन हो, और डिस्कोर्स सेट करना है। इसीलिए मैं बहुत खुश था जब नरेंद्र मोदी साहब ने सुधीर चौधरी को जी न्यूज़ के इंटरव्यू में बोला कि नहीं नहीं रोजगार कम नहीं है, आप पकौड़ा बेचिए। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन कि मुझे लगा 4 साल घर वापसी, लव जिहाद, मंदिर मस्जिद, गौ रक्षा करने के बाद फाइनली ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। अब जो हम जिस पे सवाल पूछे तो उसका जवाब दे रहे हैं, मतलब जो हमारा आंदोलन है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है। और मुझे खुशी इस बात की थी कि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अब ये इतनी ज़्यादा जुमलेबाजी दूसरे चरम पर लेके जाएंगे और अपने आप को खुद एक्सपोज करेंगे। तो जितना रोजगार पे बोलेंगे नरेंद्र मोदी साहब, वो अपने आप को खुद एक्सपोज करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अगर एक साल अपने 2014 के वादे पे रहें, बड़े बड़े बैनर लगाए थे, आपके भी शहर में लगाए होंगे, बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, बहुत हुआ महंगाई की मार, मतलब महंगाई की मार अब यहाँ आते हुए रवीश कुमार का प्रोग्राम देख रहा था, रवीश कुमार ने कल के अपने प्राइम टाइम में दिखाया कि 2010 में पेट्रोल प्राइस हाइक के खिलाफ भाजपा के लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे थे, एलपीजी प्राइस हाइक के खिलाफ किस तरीके से सिलेंडर लेके सर पे लेके बाहर सड़कों पे निकल गए थे। अब सिलेंडर 600 से 800 हो गया है और पेट्रोल तो 90 तक जा रहा है, तो वो तमाम लोग कहाँ हैं? तो ये सारे सवाल को भुला देने की कोशिश रहेगी, मुद्दों को भटका देने की कोशिश रहेगी, कभी अर्बन नक्सल होगा, कभी एंटी नेशनल होगा, कभी हिंदू मुस्लिम होगा, कभी मंदिर मस्जिद होगा, इन सब चीज़ों से बचना है। और आई थिंक ये हमारा आंदोलन है, नौजवानों का आंदोलन, वहाँ हमारी भूमिका है और वो मेरे लिए प्रायोरिटी है अभी के लिए, और वही मेरी रणनीति है कि आने वाले दिनों में, जैसे मैं आज नांदेड़ में हूँ, कल कहीं और हूँगा, परसों कहीं और हूँगा, अब सीधी सीधी लड़ाई है। वो डराने की कोशिश कर रहे थे, मुझको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, हम चुप नहीं होने वाले हैं और हम आपसे लड़ेंगे। जॉब ही नहीं दिया अभी तक, वो जॉब हमारे सामने क्लियर नहीं है कि क्या आप लोकसभा लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। देखिए अगर ऐसा कोई डिसीजन होता तो मैं सीधा सीधा बोलता, लेकिन और एक सवाल ऐसा है कि नहीं यार, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि देश में क्या विपक्ष कमजोर हो चुका है, और उसी वजह से क्या जनता के मतलब समाज आधारित आज आंदोलन इस देश में हो रहे हैं? कोई भी विपक्षीय पार्टी इतनी सक्षम नहीं है कि वो सरकार को चैलेंज कर रही है, बल्कि जो भी आंदोलन, जो भी मोर्चे हो रहे हैं वो जनता की तरफ से हो रहे हैं, वो समाज की तरफ से हो रहे हैं, वो समाज आधारित हो रहे हैं, ऐसा क्यों? सही बात, विपक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ, वो पार्लियामेंट में भी दिखता है, उनके कितने सीट्स हैं, और उसी के चलते जो एक वैक्यूम था वो छात्रों ने, नौजवानों ने, किसानों ने, मजदूरों ने सड़कों पे बार बार निकल के वो भूमिका अदा करी है। अब हम चाहेंगे कि विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष मजबूत क्या हो, हम तो चाहेंगे बीजेपी विपक्ष में और कमज़ोर हो जाए, लेकिन उसी के लिए हमको काम करना है। देखिए विपक्ष का एक रोल है, अब मैं उनके बिहाफ पर जवाब नहीं दे सकता कि वो अपनी कमजोरी को कैसे कमजोरी से कैसे उभरें, ये जवाब राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ये जवाब दे पाएंगे, मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं यही जवाब दे सकता हूं कि जो सड़कों का विपक्ष है उसको कैसे मजबूत किया जाए, सड़कों के आंदोलनों को कैसे मजबूत किया जाए, और वही हमारी कोशिश है। और इस 4.5 साल में उनके पास बहुत सीट्स होंगी, वो बहुत राज्यों की सरकार जीते होंगे, सरकार बनाई होगी, लेकिन उसके बावजूद तो पिछले 4.5 साल में जिस लेवल के आंदोलन हुए हैं आम जनता के द्वारा, मतलब आप मॉब लिंचिंग को देख लीजिए, बहुत सारे विपक्षी दल भी नहीं बोल रहे थे उस पर,
आम नागरिक आके बोले, और आज वो मुद्दा है, आज सुप्रीम कोर्ट में वो मुद्दा चल रहा है। तो जब जब विपक्षी दलों ने भी अपनी कमजोरी के चलते पीछे हटे हैं, तो आम नागरिक आगे बढ़े हैं, और वही आज इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। किस तरीके से ऐसे डर के माहौल में, इतना ज़्यादा खौफ फैलाने के माहौल में, जहाँ लोगों की मॉब लिंचिंग कर दी जा रही है, उसके बाद आवाज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं। कब आपने लास्ट टाइम सुना था कि छात्रों की आवाज़ों को इतने सारे लोग सुनने आते थे, आज सुनने आते हैं। तो नाउम्मीदी नहीं लानी है, जैसे बोलते हैं कि नाउम्मीदी भी एक कुफ्र है, तो नाउम्मीद नहीं होना है। ज़रूरी जैसी चीज़ें हैं वैसी चीज़ें हमेशा रहेंगी नहीं, चीज़ें बदलेंगी। हमको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपनी लड़ाई के ऊपर विश्वास रखना है, अपने काबिलियत के ऊपर विश्वास रखना है, और अपनी एकता के ऊपर विश्वास रखना है, उसके लिए काम करना है। जहाँ तक वो लोकसभा वाला जवाब है, देखिए अगर ऐसा कोई डिसीजन हुआ होता तो मैं सीधा सीधा जवाब देता उसको, अगर मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ मतलब कोई डिसीजन नहीं हुआ है, बोल नहीं सकते। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का सेशन खत्म होता है, और उसी के साथ साथ मैं हमारे सरप्रस्त न सिर्फ मेरे बल्कि तंजीम